बिग बॉस के घर से निकलने के बाद सुम्बुल तौकीर खां को ऑफर हुए ये बड़े प्रोजेक्ट, आखिर किस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी सुम्बुल? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस का सीज़न 16 जितना बड़ा हिट रहा है, उनके कंटेस्टेंट भी आज की डेट में उतने ज़्यादा हिट हो गए हैं। बिग बॉस के अमूमन सारे कंटेस्टेंट को मिल चुका है उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसपे कई सारे एक्टर्स ने तो काम भी शुरू कर दिया है, चाहे वो शालीन भानोड हो, अंकित गुप्ता या हो प्रियंका चहर चौधरी। लेकिन सुम्बुल को लेके फैंस बेकरार हैं कि आखिर सुम्बुल किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। तो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखूंगा जो सुम्बुल को ऑफर हुआ है। फिलहाल सुम्बुल ने किस प्रोजेक्ट को लेकर कन्फर्मेशन दिया है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद सुम्बुल के फैंस को है इंतज़ार कि सुम्बुल आखिर वेब शोज़ में दिखेगी, मूवी में या फिर टीवी शो में। तो वैसे मैं आपको बता दूं, सुम्बुल तौकीर खां के पास कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और इसका खुलासा खुद ब खुद सुम्बुल तौकीर खां ने कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, सुम्बुल को ऑफर हुए हैं ये 5 बड़े प्रोजेक्ट। तो फिर एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 5 बड़े प्रोजेक्ट। नंबर 1 प्रोजेक्ट की बात करें तो एक खबर जो है वो काफ़ी लंबे समय से वायरल हो रही है कि सुम्बुल जो है वो नागिन सीजन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि सुम्बुल को ऑफर हुआ है नागिन का सीजन 7। वैसे ये लीड होगा, पैरेलल लीड होगा या फिर मेन लीड, इसके बारे में अभी तक एकता या फिर बालाजी टेल फिल्म्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि सुम्बुल को ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है गुल खान का अपकमिंग शो। वैसे मैं आपको बता दूँ, गुल खान चाहती हैं कि सुम्बुल और फैमान की केमिस्ट्री जो इतनी बड़ी हिट हुई है, जिसको आज फैंस मिलियंस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो गुल खान अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली हैं बहुत ही जल्दी, जिसमें गुल खान ने अप्रोच किया है फैमान खान और सुम्बुल तौकीर खां को इमली में। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गुल खान ने सुम्बुल को ये बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया हो। इसके पहले भी सुम्बुल और फैमान इमली शो का हिस्सा रहे थे, जो कि स्टार प्लस का ही शो था। अब एक बार फिर गुल खान लेके आने वाली हैं स्टार प्लस पे एक बड़ा धमाका, और सुम्बुल तौकीर खां को मिला ये तीसरा बड़ा ऑफर। सुम्बुल को मिला है एक बड़ी वेब सीरीज़ का ऑफर। वैसे इस वेब सीरीज़ का अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन सुम्बुल के टीम से ये न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है कि सुम्बुल को वेब सीरीज़ के लिए एज एन मेन फीमेल लीड के लिए भी अप्रोच किया गया है। और सुम्बुल के ये चौथे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एकता कपूर का अपकमिंग स्टार प्लस का शो। स्टार प्लस पे गुल खान ही नहीं, एकता कपूर भी अपने एक नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करने वाली हैं, जो कि होने वाला है स्टार जलसा का एक रीमेक शो, जिसमें सुम्बुल और धीरज दोपहर को अप्रोच किया गया है। सुम्बुल के अपोजिट धीरज दोपहर का नाम कन्फर्म है, लेकिन फिलहाल के लिए सुम्बुल ने इस प्रोजेक्ट को भी कन्फर्म नहीं किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुम्बुल और फैमान खान की फैंस की माने तो सुम्बुल तौकीर खां को धर्म पत्नी शो को भी ज्वाइन करना चाहिए। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो एकता कपूर का ही है, धर्म पत्नी शो के लिए भी सुम्बुल को ऑफर किया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत कम चांस लग रहा है कि धर्म पत्नी जैसे शो में, जो कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये शो फिलहाल के लिए कलर्स पे बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है। ये शो टॉप 10 की रेटिंग से भी बाहर आ चुका है और धीरे धीरे शो पे खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन एकता कपूर की टीम ने सुम्बुल को अप्रोच किया है और एकता कपूर चाहती हैं कि सुम्बुल तौकीर खां चाहे स्टार प्लस का शो करे या फिर धर्म पत्नी शो, लेकिन एकता के ही प्रोजेक्ट में सुम्बुल को फाइनल किया जाए। वैसे सुम्बुल के हैं ये 5 बड़े प्रोजेक्ट। वेल, आपको क्या लगता है कौन से प्रोजेक्ट को सुम्बुल को कन्फर्म करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए सुम्बुल तौकीर खां को? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।